Hey the students, welcome to the online class of Shri Ram Public School. I am R.K. Verma of your math teacher. Today I will explain about cube. देखिए इसमें कल के वीडियो में आपको हमने क्यूबॉइड के वॉल्यूम पर एंड किया था. क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है कैसे फाइंड करते हैं उस वहीं पर हमने एंड किया था. आज हम फिर आपको थोड़ा सा बता देते हैं क्योंकि कल बताया गया था. जैसे देखिए ये आपका क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है, ये आपका एच है, ये एल है, ये बी है, ब्रेथ है, ये लेंथ है और ये हाइट है. ये भी आपका क्यूबॉइड है, ये भी देखिए आपका क्यूबॉइड है, ये देखिए एल है, ये बी है और ये एच है, एच हाइट है. समझ रहे होंगे आप. इसमें होता क्या है, जैसे जो हाइट जो बनती है ना तो कई लेयर की होती है हाइट, उसको आप ये समझें कई लेयर से बनी हुई है. अब जैसे एक पेज आपको दिखाई दे रहा अभी लेयर है, समझ लीजिए इसके ऊपर देखिए दूसरा हमने पेज रख दिया, दूसरा लेयर हो गया. ऐसे देखिए ये तीसरा लेयर हो गया, जब ध्यान से देखिएगा ऐसे चौथा लेयर मान लीजिए हो गया, ऐसे पाँचवा लेयर हो गया, ऐसे छठा लेयर हो गया. ऐसे लेयर आप रखते जाएंगे, ऐसे लेयर आप रखते जाइए ऐसे एच हाइट आपको मिल जाएगा. तो ये जो क्यूबॉइड, चूँकि इसका देखिए रेक्टेंगल जैसे बेस आपको दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल है, एल है और ये ब्रेथ बी है और इसकी हाइट एच है. तो एच कितने लेयर से बना हुआ है, मान लीजिए एक यूनिट का एक लेयर है. ऐसे माइंड में हम फिट कर लें, एक यूनिट समझते हैं ना, चाहे 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर जो भी, तो एक जो लेयर है 1 यूनिट की है, तो एच लेयर है तो हाइट एच ही तो होगा. 1+1 एच टाइम्स जोड़ोगे तो एच हाइट हो जाएगा. ओके, तो इस लेयर को हम इससे दिखा दे रहे हैं, जरा आप समझ लीजिएगा. ये मान लीजिए फर्स्ट लेयर है नीचे वाला बॉटम का, ये फर्स्ट लेयर कितनी इसकी मोटाई है, ऊंचाई है एच, सॉरी 1 यूनिट. ऐसे दूसरे लेयर की 1 यूनिट, तीसरे लेयर की 1 यूनिट, चौथे की 1 यूनिट, पांचवें लेयर की 1 यूनिट. लेयर में समझ रहे हैं ना, ऐसे पेज ही लेयर हमने उसका नाम लेयर कह दिया, परत कह दिया, परत. तो पहले की मोटाई इसमें बहुत पतला है तो नहीं दिखाई दे रहा, इसको इस तरह से दिखा दिया. एक लेयर हो गया 1 यूनिट, दूसरा 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, ऐसे कितने बार रखोगे, एच बार रखोगे तो एच हाइट इसकी हो जाएगी. 1+1 अगर एच टाइम जोड़ोगे तो एच तो आएगा, तो एच हाइट की इसकी ये क्यूबॉइड की हाइट एच हो जाएगी. ओके, समझ में आ गया होगा. तो अभी जरा ध्यान से देखिएगा, इसकी जो एक लेयर होती है, बहुत बढ़िया समझना, नहीं तो आप जो है मिस्टेक कर जाते हैं, रटते हैं उसको, रटिए ना. ये रटने के मैथ जो है बहुत ईजी होता है, बस माइंड में उसको हमें फिट करना है कि वो हम रटें उसको समझें अपने माइंड में. देखिए एक लेयर हमने ले लिया है, जरा ध्यान से देखना एक लेयर, तो इसको प्रैक्टिकली आपको समझा देते हैं. तो जैसे एक लेयर आपको दिखाई दे रहा ना, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, ऐसे लेयर एच हाइट तक है. तो इसका अंदर देखिए स्पेस दिखाई दे रहा है, स्पेस में समझते हो ना, जो खाली स्थान है. तो इसका एरिया कैसे, रेक्टेंगल है ना ये, तो एल इंटू बी, एल इंटू बी, तो अंदर का एरिया क्या बनेगा, जो स्पेस हमको दिखाई दे रहा है जहाँ मेरा हाथ चल रहा है, क्या बनेगा, एल इंटू बी, तो अंदर का एरिया एल इंटू बी हो गया. तो एक लेयर का अंदर का स्पेस क्या हो गया, एल इंटू बी, दूसरे लेयर का एल इंटू बी, तीसरे का अंदर का स्पेस एल इंटू बी, अगले का एल इंटू बी, ऐसे एल इंटू बी अंदर का स्पेस बनता जाएगा और कितने हाइट तक, एच तक, एच लेयर का बनेगा. तो एल इंटू बी स्पेस एल इंटू बी स्पेस एल इंटू बी स्पेस, ऐसे एच बार आप रखोगे तो देखिए जरा आप बच्चे, सब बच्चे देखें, एल इंटू बी, एल इंटू बी, देखिए एक लेयर एल इंटू बी, दूसरा एल इंटू बी, एल इंटू बी, एल इंटू बी, एल इंटू बी, ऐसे एच बार रखोगे तो आपको इस तरीके से ये आपको क्यूबॉइड मिलेगा और अंदर का स्पेस बन जाएगा. ये एक एक लेयर का स्पेस समझ में आ रहा ना, ये एच अंदर का स्पेस, और अंदर का स्पेस ही क्यूबॉइड का ही वॉल्यूम कहलाता है. ये क्या कहलाता है, वॉल्यूम. अंदर का जो स्पेस है वही क्या है, वही वॉल्यूम है. मेरी बात सही, वॉल्यूम आ गई होगी. तो ये वॉल्यूम अंदर, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, एक का लेयर का स्पेस एल इंटू बी, अगले का एल इंटू बी, अगले का एल इंटू बी, अगले का एल इंटू बी, ऐसे हम एच टाइम में इसको जोड़ेंगे बार बार, ऐसे एल इंटू बी प्लस एल इंटू बी प्लस एल इंटू बी, ऐसे बार जोड़ोगे तो क्या बनेगा, ऐसे फिर से एग्जाम्पल लीजिए, 2+2+2+2 फाइव बार जोड़िए तो क्या बनेगा, 10 ही तो होगा. 2+2+5 बार, 5 times 5 10 हो जाएगा, या डायरेक्ट कैसे निकालो, 2 × 5 10 हो जाएगा. तो वैसे एल इंटू बी स्पेस एल इंटू बी स्पेस एल इंटू बी स्पेस, ऐसे एच टाइम में जोड़ोगे तो एल इंटू बी इंटू एच, तो अंदर का वॉल्यूम कितना हो गया, स्पेस एल इंटू बी इंटू एच, मेरा ख्याल समझ में आ गया होगा. तो आप बताइए कि जो इसका वॉल्यूम बनेगा
क्यूब का, सॉरी क्यूबॉइड का, तो क्यूबॉइड भी पढ़ा रहे हैं ना, तो क्यूबॉइड का क्या बनेगा, एल इंटू बी इंटू एच, अब तो मेरे ख्याल समझ आ गया होगा, तो एल इंटू बी इंटू एच इसका वॉल्यूम होता अंदर, कैसे होता मैंने समझा दिया। अब इसके बाद हम यहाँ आते हैं क्यूब में आते हैं, क्यूब में क्या होता है कि जो क्यूबॉइड आपका है ना, ये क्यूबॉइड का जो लेंथ है और जो ब्रेथ है और हाइट तीनों इक्वल हो जाए, तो जब कई राशियां एक जैसी हो जाती है ना, तो उसको हम कुछ इसी के लेट ए कर देते हैं, लेट बी कर देते हैं, लेट ऐसे कुछ कोई नंबर ले लेते हैं। तो चलिए हमने इसका एल है, ये बी है, एच है, तीनों इक्वल है, तो मैंने कहा दिया कि जो एल है वो ए के इक्वल है, बी है वो भी ए के इक्वल है, और यह जो एच है वो भी ए के इक्वल है, मेरी बात समझ आ रही है, क्योंकि तीनों इक्वल हो गया, और तीनों अगर इसके डायमेंशन, इसके ये लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल हो गया, तो उसी को बोलेंगे क्यूब। क्या बोलेंगे? क्यूब बोलेंगे। अगर डिफरेंट है, अलग है, तो अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो फिर क्या बोलेंगे? क्यूबॉइड बोलेंगे। तो क्यूब में देखिए मैंने लिख दिया है, ये देखिए ए भी लेंथ ए है, ब्रेथ बी भी ए है, देखिए लिखा हुआ है, एंड हाइट भी ए है, तो ये ए क्यूब, एल इक्वल टू ए, बी इक्वल टू ए, एच इक्वल टू ए। फर्स्ट देखिए ये लेटरल सरफेस एरिया मैटर बताया था, सामने का जो दिखाई देता है, तो टू एल इंटू एच प्लस टू बी इंटू एच, और वैल्यू जहाँ ए एल ए बी एच होगा वही ए पुट कर देंगे, तो टू इंटू ए इंटू ए प्लस टू इंटू ए इंटू ए, तो ये हो जाएगा आपका जो है क्या नाम है, ये आपका हो गया टू ए स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर फोर स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया समझ में बात आ रही है, जो टोटल जो सामने आपको दिखाई देता है ये जो उसके फोर वॉल्स हैं, तो लेटरल है ना, ये लेटरल नहीं है, रिव्यू नहीं है, क्योंकि इसको सामने नहीं देख सकते, सामने से देखने वाला आप जो सरफेस होगा उसी को लेटरल बोलेंगे, इसको लेटरल बोलेंगे, लेटरल नहीं है, नीचे वाला बॉटम लेटरल में नहीं आता, टॉप लेटरल में नहीं आता है, साइड से लेटरल होता है। ओके, तो ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया हो गया, एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ये क्लोज्ड क्यूब, देखिए दो क्यूब होंगे, एक तो जिसका बॉटम होगा और ऊपर से टॉप भी होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? क्लोज्ड बोलेंगे। और जैसे नीचे बॉटम तो हो बट ऊपर पर ढक्कन ना हो, तो उसको ओपन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओपन। और दोनों होगा ऊपर नीचे, तो क्लोज्ड बोलेंगे। तो नीचे भी है, ऊपर भी है, और चार इसकी दीवारें हैं, तो छह सरफेस हो गए। तो देखिए क्या बनेगा, अब देखिए टोटल सरफेस एरिया आपके क्लोज्ड क्यूब में बनेगा टू एल इंटू एच, एल इंटू एच मैंने समझ में आ रहा है ना, देखिए एल इंटू एच इसका इसका एरिया, और ये सामने का भी हो जाएगा टू हो जाएगा, टू इंटू एल इंटू एच, और बी इंटू एच इसका, और बी इंटू एच टू बी एच हो जाएगा, और टू एल इंटू बी, तो एल ये है बी ये है, तो एल इंटू बी नीचे का बॉटम हो गया, और एल इंटू बी यही ऊपर का भी होगा, तो टू एल इंटू बी में दोनों आ जाएगा। ओके, तो अगर क्लोज्ड है तो ये हो जाएगा, तो जहाँ ए एल बी एच होगा वही पुट कर देंगे, टू ए इंटू ए प्लस टू ए इंटू ए प्लस टू जो है ए इंटू ए हो जाएगा, तो टू ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर तीन बार जोड़ोगे तो हो जाएगा सिक्स ए स्क्वायर। ओके, इसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ये ओपन क्यूब, ओपन मीन्स ऊपर ढक्कन नहीं है, तो बॉटम तो ही है, तो क्या होगा? टू एल इंटू बी, दो दीवार तो सामने सामने रहेगी ही लंबाई में, और चौड़ाई में भी टू बी इंटू एच रहेगी, बट नीचे वाला एल इंटू बी केवल बॉटम रहेगा, ऊपर का टॉप नहीं रहेगा, इसलिए इसको एक ही बार लिखेंगे, तो हो जाएगा टू ए इंटू ए प्लस टू ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए की सिंगल बार लिखेंगे, ये हो जाएगा टू ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर ए स्क्वायर तो फाइव ए स्क्वायर। ओके, इसके बाद वॉल्यूम ऑफ ये क्यूब, मैंने आपको वॉल्यूम ऑफ ये क्यूब बार बताया है, एल इंटू बी इंटू एच बहुत ठीक समझाया है, तो अब आपके समझ में आ गया भी होगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो बताइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक बार और रिफ्रेंस फिर स्पेल कर देंगे, क्योंकि इसको हम समझ के लगाएंगे तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे, और रटेंगे तो हम भूल जाएंगे, फॉर्मूला रटना नहीं चाहिए, किसी भी मैथ ऐसा सब्जेक्ट बहुत ईजी सब्जेक्ट होता है, बस इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि उसको रटने का प्रयास रटे नहीं, उसको समझे आप, जहाँ प्रॉब्लम हुआ बताइए, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, एक व्यवहारिक भाषा में उसको समझा दूंगा आपको, तो भूलेगा नहीं, आप रटिए नहीं उसको, तो हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एस, और वीडियो डेली देखते रहिए, डेली वीडियो देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे, नहीं कोई आकर छूट जाएगा तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो एल इंटू बी इंटू एच और ए इंटू ए इंटू एन पुट करिए क्यूब हो जाएगा। ओके, समझ आ गया। इसके बाद आता है आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर, अब चूंकि मोबाइल हमारी जो है बहुत पुरानी है, ओल्ड की है, इसमें ज़्यादा तो आ नहीं पाता है, सवा सात मिनट का, दस मिनट का मैक्सिमम आ पाता है, तो हम इसको प्रयास करेंगे, दो दो वीडियो हम देंगे, क्योंकि हमें हमको सिलेबस भी देखना है, कोर्स भी देखना है। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसमें देखिए तीन वर्ड है, राइट है, सर्कुलर है, सिलेंडर है, तो इसका जो पहले समझे, राइट क्या है, सर्कुलर क्या है, सिलेंडर क्या है। देखिए ये आपका सिलेंडर दिखाई दे रहा होगा, देखिए सिलेंडर ये है, सिलेंडर सोचते हैं इससे मैं आपका ये गैस सिलेंडर है, कोई भी सिलेंडर, देखिए सिलेंडर आपको दिखाई दे रहा है, ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर समझ में आ गया होगा, सिलेंडर आप समझ गए होंगे। इसके बाद सर्कुलर है, सर्कुलर में होता है कि जो सर्किल जैसे है, देखो बॉटम है ना, ये टॉप है, ये बॉटम है, जो इसका वाल है या लेटरल सरफेस है, ये
ये बदल कर, कि वाह ये हाइट है तो समझ आ रहा होगा, ये बॉटम है, ये टॉप है, तो इसका बॉटम कैसे सर्किल जैसे है और ये कैसे भी सर्किल जैसे है, इसलिए इसका नेम हो गया सर्कुलर। सर्किल जैसे माने सर्किल शेप मीन्स सर्कुलर हो गया, ये भी सर्कुलर हो गया। ओके तो शेप कैसा है, सिलेंडर जैसे है, तो इसलिए सर्कुलर सिलेंडर हो गया। अब राइट वर्ड कहाँ से आया, जरा राइट के बारे में देखते हैं। जैसे ये आपका जो है, इससे मान लीजिए कोई प्लेन है, ये प्लेन, ये ऐसे क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है, इसी प्लेन पर हमने इसको रख दिया, ऐसे प्लेन पर क्या किया, ऐसे रख दिया, तो प्लेन पर रख दिया, तो अब जरा देखते हैं इसको क्या होता है। सिलेंडर ऐसे रख दिया, अब आप देखें कि ये जो इसका सरफेस है, ये जमीन धरातल या जो भी आप कह सकते हैं, ग्राउंड है, कहीं भी आपने रख दिया है, लेकिन ये कैसा होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए। तो इसके ऊपर आपने देखिए सिलेंडर ऐसे रख दिया ऐसे, तो बताइए ये जो सरफेस है, नीचे जमीन की बात कर रहा हूँ, यहाँ से जो इसकी हाइट है कितना एंगल बना रही है, 90। देखिएगा फिर से, देखिए ये जमीन से कितना ऊपर एंगल जा रहा है, ये 45 हो गया, 60 हो गया, ये 90 हो गया। तो जो सिलेंडर की हाइट कितना एंगल बना रही है इस धरातल से, जमीन से, 90। अपने कहीं भी देखिए 90, कहीं भी 90, सभी जगह 90। इसलिए नाम 90 मीन्स राइट, इसलिए हो गया ये राइट हो गया। सर्कुलर बेस सर्कुल सर्किल जैसे है और सिलेंडर सिलेंडर के शेप में है। तो मेरी बात समझ में आपकी आ गई होगी, इसका नेम ऐसा क्यों है, राइट सर्कुलर क्यों सिलेंडर, इसीलिए इसका नाम रखा गया है, क्योंकि ये राइट है, 90 डिग्री हाइट है और सर्कुलर है, सर्किल जैसे है और सिलेंडर के शेप में है। अब हम इसका जो आर्टिकल है, मतलब वो कॉन्सेप्ट है, उसको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, यहीं विराम देंगे। थैंक यू।